इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार जाती दिखी है। कांग्रेस को बीजेपी ने पछाड़ दिया है। भाजपा 48 सीटों पर आगे है, कांग्रेस के खाते में 36 सीटें, वहीं इंडिपेंडेंट के पास 4 सीटें आती दिख रही हैं, तो INLD यानी कि लोकदल के पास 1 सीट आती दिख रही है। यानी कांग्रेस को बीजेपी ने पछाड़ दिया है। अब रुझानों में बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार जाती दिखी है। कांग्रेस को बीजेपी ने पछाड़ दिया है। भाजपा 48 सीटों पर आगे है, कांग्रेस के खाते में 36 सीटें, वहीं इंडिपेंडेंट के पास 4 सीटें आती दिख रही हैं, तो INLD यानी कि लोकदल के पास 1 सीट आती दिख रही है। यानी कांग्रेस को बीजेपी ने पछाड़ दिया है। अब रुझानों में बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार जाती दिखी है। कांग्रेस को बीजेपी ने पछाड़ दिया है। भाजपा 48 सीटों पर आगे है, कांग्रेस के खाते में 36 सीटें, वहीं इंडिपेंडेंट के पास 4 सीटें आती दिख रही हैं, तो INLD यानी कि लोकदल के पास 1 सीट आती दिख रही है। यानी कांग्रेस को बीजेपी ने पछाड़ दिया है। अब रुझानों में बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है।